स्वागत है आप सबका डिवाइन देसी का सिलो चैनल में। आज आप सुनेंगे डिवाइन देसी की दो रीसेंट मैनिफेस्टेशन स्टोरी। मैं ओवर एक्साइटेड होकर अपनी काफी सारी कहानियां यहाँ पे शेयर कर देती हूँ, तो लेकिन आज जो दो है ना बहुत ही क्यूट है, बहुत ही अच्छा लगेगी आपको। तो द फर्स्ट वन इज, मैं एक वर्कशॉप अटेंड करने के लिए गई थी। मेरा जो प्रोफेशनल काम है वकालत के रिलेटेड, उसका कुछ मेरा नॉलेज बढ़े उसके चक्कर में, तो वहाँ पे जो एक लेडी है वो वहां पे सेमिनार दे रही थी, तो शी वाज सो कॉन्फिडेंट और उनका इतना अच्छा उस एरिया में नॉलेज था। उनको मैंने देखा और मेरा तो ऐसा लगा कि मुझे इनसे रिश्ता रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस एरिया में मुझे जाना है उसके रिलेटेड इनको काफी सारी चीजें पता है, तो इनसे रिश्ता मुझे प्रोफेशनली काफी बेनिफिट करेगा। इंसान भी अच्छी लग रही है, एंड होप आप में से कुछ लोग सुन रहे हो तो उनको पता है कि वकालत का काम तो ऐसा ही है कि इसमें जो है वो कॉन्टेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, वरना अकेले तो कोई कुछ यहाँ पे हिमालय नहीं चढ़ सकता। तो मैंने सोचा, अब वहां से जब मैं बाहर आई तो मुझे आइडिया आया कि भाई आप मैनिफेस्टेशन करते हो तो आप कौन से टेक्निक लगाओगे, आपको तो इनको मैनिफेस्ट करना है अपने जीवन। मैंने कहा हम कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं लगाएंगे, हम लोगों को बताते हैं, हम सिर्फ यूनिवर्स को धन्यवाद बोलेंगे कि थैंक यू आपने इनको मेरे जीवन में बहुत आसानी से भेज दिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। भाई कुछ दिनों तक तो कुछ नहीं हुआ, मुझे लगा मुझे उनको भूल जाना चाहिए। उसके बाद मैंने ये सोचा कि भाई मेरे पास जो केस आया है जिसके रिलेटेड तो मुझे उनकी हेल्प चाहिए ही होगी, बिकॉज शी इज एक्सपर्ट इन टू दैट, तो मैं ही अपनी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाऊंगी और उनको बोलूंगी कि बहन आप क्या मुझे इस चीज में हेल्प आउट कर सकती है, एंड जिस तरह का उनका नेचर है शी विल डेफिनेटली हेल्प आउट। लेकिन क्या होता है, यूनिवर्स का खेल समझिए। मुझे एक दिन दोपहर में 3 बजे 3 से 4 के बीच में रैंडमली मेरे नंबर के ऊपर मैसेज आता है, हाय दिस इज दिस, दिस इज लाइक एडवोकेट दिस, आई नीड योर हेल्प, आई गॉट योर रेफरेंस फ्रॉम दिस, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड, दिस इज माय मैनिफेस्टेशन। इन्होंने मुझे मैसेज किया और इनको मेरी जरूरत पड़ी, और मतलब कैसे काम के लिए, और इनको मेरा रेफरेंस किसी ने दिया, ओ माय गॉड। तो ये कोई मैनिफेस्टेशन ही था और मैंने कोई टेक्निक नहीं लगाई थी, मैंने सिर्फ यूनिवर्स को बोला था थैंक यू और उसके बाद मैंने कुछ हुआ नहीं। तो मैंने सोचा कि अल्टरनेटिव हम भी हाथ बढ़ा सकते हैं क्योंकि इनका तो हमें काम ही है। So, but इन्होंने मैसेज किया एंड देन अवर स्वीट कॉन्वर्सेशन स्टार्टेड, एंड डेफिनेटली वी आर अ गुड कलीग नाउ, सो वी कैन टॉक, एटलीस्ट आई कैन टेक हर हेल्प जिस चीज के रिलेटेड मुझे उनको मैनिफेस्ट करना था, द पॉइंट वन। और सेकेंड वाला जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, कोर्ट में हम जाते ही रहते हैं तो पापा है मेरे वो बोले कि आप जो भी कोर्ट जाया करो ध्यान रखो, लोगों को चाय पिलाओ, उनके साथ बैठो, उनके उनसे कुछ सीखने की कोशिश करो, आप ऐसे ही वहां से नवाए जाते हो तो आपका ये सारी चीजें बोलते रहते हैं। मैंने कहा, मैंने उनको ऐसे रैंडमली बोल दिया था कि जब हम कोर्ट जाएंगे ना तो हमें जज सामने से चाय पिलाएंगे, ठीक है कुछ ज्यादा ही हो गया तो लेकिन हुआ ये कि मतलब एक्चुअली ये हुआ, तो मैं हर दिन जाती हूँ तो हर टाइम तो नहीं पिलाते, बट उस दिन मुझे कुछ स्पेशल काम के लिए 10th फ्लोर की जो कोर्ट है वहां पे जाना पड़ा। मुझे उनसे कुछ क्वेश्चन भी पूछने थे क्योंकि मेरा दो काम है, आई ऑल्सो टीच स्टूडेंट्स द थिंग्स दैट आई हैव लर्न्ड, तो मुझे उनके लिए कुछ स्पेशल लेक्चर वगैरह रेडी करना था इसी एरिया के रिलेटेड, तो आई वांटेड सम इंफॉर्मेशन। तो वहां पे जाके जो मैंने उनको पूछा कि मुझे कुछ डिटेल्स वगैरह चाहिए काफी टाइम के बाद गई थी, यहाँ पे जो है ना सब ऑनलाइन कोर्स ही चल रही थी, अभी ऑफलाइन स्टार्ट हुई, तो मैं गई तो वहां पे तो वो ज्यादा इंप्रेस हो गए, वो तो कि अच्छा आप अच्छा ये भी करती है, आप ये भी करती है, आप ये भी करती है, ओके आप बैठिए, जज साहब आपसे डेफिनेटली मिलना चाहेंगे। और ट्रस्ट मी, मेरे लिए एक्चुअली जज साहब ने जो है वो चाय भेजी बाहर और उन्होंने बोला आप वेट कीजिए, जैसे मैं फ्री होता हूँ आई गिव यू इन्फॉर्मेशन एंड वी कैन डिस्कस, एंड फिर हमारा बहुत ही फ्रूटफुल, उन्होंने बहुत इन्फॉर्मेशन दी, इट वॉज वेरी फॉर्मल, बट उन्होंने मेरे लिए चाय भेजी जो मेरा मैनिफेस्टेशन था। उन्होंने बोला था पापा को मतलब मैंने तो एटीट्यूड में हम ना ज्यादा डेंगे, हम बच्चे मम्मा मम्मा के सामने ही मारते हैं और किसके सामने मार सकते हैं ना, तो बस पापा ऐसा बोलते थे मुझे कि ध्यान रखिए आप अपना मतलब थोड़ा सा कांटेक्ट बढ़ाने की कोशिश कीजिए इस एरिया में, अगर आपको सीरियसली कुछ आगे करना है। तो मैंने ऐसे ही डेंगा मारा था कि देखना हम जाएंगे ना तो हमें चाय सामने से पिलाई जाएगी, देखना हमें पीने के
और हाँ दूसरी चीज, ऐसा नहीं है सिर्फ उन्होंने ही पिलाई उस दिन, पता नहीं मेरा ये था ना कि मुझे सामने से चाय पिलाएंगे, तो एक और बहन मुझे मिली जो मतलब हम कुछ प्रोफेशनली बात कर रहे थे, तो वो दीदी ने जनरली आई डू ऑफर, पर उस दिन उस दीदी ने बोला कि आप चाय पियेंगी, चलिए मैं चाय पीने जा रही हूँ, मैं आपको चाय पिलाती हूँ। और जो वकालत का सब जानते हैं उनको पता है कि कोर्ट में तो सारी दोस्ती सारी चर्चा सब चीजें चाय की चर्चा ज्यादा होती है। तो ये दो मेरे क्यूट से मैनिफेस्टेशन थे, होप आपको अच्छे लगे, मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।